स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना चैनल टू टॉय में। दोस्तों आज तूफान के बाद आए हैं खिलौना ढूंढने इस मच्छर वाले जंगल में। तूफान के बाद सुना है यहाँ पे बहुत सारे खिलौने आ चुके हैं उड़कर, तो हमें ढूंढना है आज कितने सारे खिलौने इस जंगल में हमें मिलता है। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों। तो चलो हम जंगल में इंटर करने वाले हैं, जुड़े रहो हमारे साथ, आप देखते रहो दोस्तों। तो चलो ये देखो हमारे सामने वही जंगल है, जंगल में तो अरे दोस्तों आते ही तो कुछ दिख गया है। देखो देखो भाई यहाँ पे तो, अरे देखो दोस्तों ये देखो वो देखो, आसपास देखते हैं दोस्तों और कुछ दिखता है। देखो मैंने बोला था दोस्तों, ये देखो यहाँ पे देखो कितने सारे खिलौने दिख रहा है। आसपास और ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। अरे देखो खिलौना ढूंढने आए हैं, देखो कितने सुंदर फूल दिख गए। चलो दोस्तों आगे देखते हैं आगे हम, अरे वहाँ पे तो कुछ दिख रहा है, हमें तो वहाँ पे कुछ दिख रहा है, वो देखो दोस्तों वहाँ पे भी कुछ है। चलो इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये बहुत अंदर है जंगल की दोस्तों। तो देखो हम बाहर निकाल लिए इसको, ये कौन सा खिलौना है देखना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे तो लिखा हुआ है ट्रक, साइड में भी ट्रक लिखा हुआ है, क्या बात है। ट्रक मिला है वो भी टूटा हुआ, हमें पता था आज टूटा हुआ ट्रक ही मिलेगा, टूटा हुआ टॉय मिलेगा, क्योंकि तूफान में तो कुछ सही नहीं रहता है दोस्तों, हर चीज़ यहाँ पे उड़कर आते हैं जंगल में। तो देखो उड़कर आया है, बेशक ये टूट गया, तूफान में ही टूटा होगा दोस्तों। चलो इसे साइड में रखते हैं और आगे ढूंढते हैं आगे और क्या दिखता है, चलो देखते हैं। देखो दोस्तों कितना घना जंगल है यहाँ पे तो, अरे दोस्तों वहाँ पे तो कुछ है, चलो आगे जाकर देखना पड़ेगा, जंगल की बहुत अंदर है दोस्तों। अरे वहाँ पे देखो कलेक्टिंग बाकेट के अंदर कितने सारे व्हील्स, और ये कौन सा खिलौना है, इसे बाकेट के अंदर लेकर बाहर आते हैं। आ जाओ बाहर, देखो दोस्तों सेम टू सेम, ये देखो यहाँ पे ट्रक लिखा हुआ है, यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है, ये शायद पुलिस वाला। अरे दो दो ड्राइवर यहाँ पे, दो दो ड्राइवर है, ये देखो एक ड्राइवर यहाँ पे है और एक ड्राइवर यहाँ पे है। देखो बाकेट के अंदर कितने सारे व्हील मिल चुका है हमें, देखो अरे भाई साहब ये कौन सा चीज़ है यहाँ पे, देखो तो ज़रा, ये तो छोटू सा एक हेलीकॉप्टर है। अरे वाह हमें हेलीकॉप्टर भी मिल चुका है, वो भी बाकेट के अंदर दोस्तों, देख लो बाकेट के अंदर हेलीकॉप्टर था, वाह। अरे वाह दोस्तों मिल गया है हमें आज बहुत सारे व्हील, इसका मतलब आज जो भी खिलौना मिलेगा शायद वो टूटा ही मिलेगा, व्हील के बिना मिलेगा। ये देखो हमें ऑलरेडी दो ट्रक मिल चुका है, वो भी व्हील के बिना, इसे हम बाकेट के अंदर ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ दिखा था, ये देखो आते ही हमें ये दिखा था, ये कौन सा खिलौना है देख लीजिए दोस्तों, ये देखो निकाल लेते हैं बाहर, ये कौन सा खिलौना है देख लो दोस्तों, ये तो आर्मी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो आर्मी लिखा हुआ है। अरे वाह दोस्तों ये तो जीप कार है, वो भी मिलिट्री वाला, ये देखो आर्मी वाला लिखा हुआ है आर्मी। तो चलो दोस्तों हम, ये देखो मेरे हाथ में चींटी बैठ के काट रहा है, इसे फूंक मार के उड़ा दिया दोस्तों। ये देखो ड्राइवर भी है इसमें, वाह मिल गया। ओह दोस्तों देखो जंगल में आए हैं, पर क्या बताऊं कितना गर्मी लग रहा है दोस्तों। इसे यहाँ पे छोड़ते हैं और इस साइड में हमें और कुछ दिखे थे, ये कौन सा चीज़ है हमें एक एक करके निकालना होगा। तीन चीज़ दिख रहा है मुझे, ये देखो एक, ये तो मुझे पता चल गया ये कौन सा खिलौना है, ये CNG ऑटो रिक्शा। और ये कौन सा खिलौना है, वो भी ऑरेंज कलर का है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल टैंकर, ये टैंकर है दोस्तों, इसमें ऑयल आता है। और ये कौन सा चीज़ है भाई, ये कौन सा चीज़ है, अरे आ जाओ भाई देखो, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा था, इसे जंगल ने पकड़ के बैठा हुआ था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस, शायद मुझे जो ट्रक मिला है, ये देखो वो जो ट्रक लिखा हुआ था ये उसका पार्ट है, और ये देखो पुलिस लिखा हुआ है, पुलिस ट्रक, वो पुलिस वाला ट्रक मिला था उसका ये पार्ट है दोस्तों, सेकेंड वाला ड्राइवर का चेंबर है ये। तो चलो दोस्तों इसे हम बाकेट के पास ले जाते हैं, बाकेट के अंदर रख दिए। और ये देख लो दोस्तों ये है हमारा CNG ऑटो रिक्शा, वो भी बिल्कुल
अच्छा कंडीशन में है, जस्ट इसका सामने का व्हील गायब है। व्हील तो हमें बाकेट के अंदर बहुत सारे दिखा था, ये देखो यहाँ पे है ऑटो रिक्शा का व्हील, देखो हमें मिल भी गया ऑटो रिक्शा का व्हील। ये देखो ऑटो रिक्शा बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, कोई खराबी या टूटा फूटा कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसे हम पॉकेट के अंदर रख देंगे, पॉकेट के अंदर रख दिया। अब हमें जंगल के अंदर जाना पड़ेगा दोस्तों। देखो वहाँ पे हमारा एक टॉय दिख रहा है वहाँ से, तो अरे देखो दोस्तों वहाँ पे भी एक है वो देखो। अरे जंगल के तो बहुत अंदर जाना पड़ेगा दोस्तों, हम अंदर चलते हैं खतरा मोल के। आप लोग प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कर वीडियो को लाइक करके दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग अगर हमारे साथ दोगे तो हमें कुछ नहीं होगा दोस्तों, हम कोई भी खतरा मोल सकते हैं। देखो 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 ये देखो, ये कौन सा खिलौना है, आ जाओ भाई, ये हम आप लोगों को बाहर जाके दिखाएंगे। और ये देखो ये कौन सा खिलौना है, तो चलो दो दो खिलौना मिल चुका है, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। चलो बाहर चलो। अरे दोस्तों यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमें। ओह देख लो दोस्तों, ये तो जेसीबी है, वो भी व्हील के बिना। अरे व्हील के बिना एक जेसीबी मिल चुका है, वो भी बढ़िया कंडीशन में ही है, कोई खराबी या टूटा फूटा कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलो इसे बाकेट के अंदर ले लेते हैं, बाकेट के अंदर ले लिया। और देखो दोस्तों ये कौन सा खिलौना है, ये तो ट्रॉली वाला ट्रैक्टर है, वो भी सामने का व्हील के बिना। क्या बात है, आज सब खिलौना व्हील के बिना ही मिला है, कोई भी खिलौना हमें अच्छा वाला कंडीशन में नहीं मिला है। एक खिलौना अच्छा वाला कंडीशन में मिला है, वो हेलीकॉप्टर था दोस्तों। तो चलो इसे भी बाकेट के अंदर ले लिया। और क्या कुछ है आसपास एक बार देख लेते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलो ढूंढना तो पड़ेगा। तो चलो ढूंढो हमारे साथ दोस्तों, बने रहो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। ये देखो दोस्तों मुझे पता था ये, अरे ये तो पेड़ में फंसा हुआ है, तो चलो अरे निकल जा भाई। देखो दोस्तों ये कौन सा खिलौना है, देख लो ये तो रोड रोलर है, वो भी व्हील के बिना, पीछे का व्हील नहीं है इसमें दोस्तों, सामने का तो व्हील दिख रहा है हमें। इसका कंडीशन बढ़िया है, कुछ खास नहीं बोल सकते हैं, बढ़िया है, जस्ट बढ़िया है दोस्तों। तो चलो हमें हमारा खिलौना आज का कंप्लीट हो गया, देखो बाकेट बिल्कुल फुल हो गया, इतना खिलौना मिला है हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें शायद कुछ दो या तीन खिलौना मिलने की आशा में हम यहाँ पे आए थे, पर हमें उससे भी ज़्यादा खिलौना मिल चुका है दोस्तों। कल बहुत ज़ोर से तूफान हुआ था, तूफान के बाद हमें इतना सारा खिलौना मिलेगा, ये अनएक्सपेक्टेबल थे दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम इसे लेकर घर चलते हैं, घर जाके आप लोगों को अटैचमेंट करके दिखाएंगे। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शायद पता ही होगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, जंगल में जाते हैं, आप लोगों के लिए खिलौना ढूंढते हैं, अटैचमेंट करके आप लोगों को सिखाते हैं। प्लीज़ दोस्तों इतना तो बनता है आप लोगों के ऊपर, हम तो इतना थोड़ा सा तो आशा कर सकते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो प्लीज़ कर देना दोस्तों। मुझे पता है आप लोग करोगे, क्योंकि आप लोग हमारा अच्छा वाला फ्रेंड हो दोस्तों, अच्छा वाला फैमिली हो। तो चलो मिलेंगे घर जाके, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय, मिलेंगे घर जाके। तो चलो दोस्तों देखो हम घर भी पहुंच गए, देखो कितने सारे खिलौना लेके आ चुके हैं आज। आज हमें बहुत मेहनत करना है दोस्तों, क्योंकि आज जो भी खिलौना मिला है, एक छोटू सा खिलौना छोड़कर बाकी सारे खिलौना टूटा फूटा मिला है। तो चलो टूटा फूटा मिला तो क्या हुआ, जोड़ने के लिए हम तो है। प्लीज़ दोस्तों देखते रहो हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो चलो एक एक करके बाकेट के अंदर से निकाल लेते हैं, ट्रैक्टर को निकाल लिया। ये कौन सा खिलौना है दोस्तों, ये हमारा सीएनजी ऑटो रिक्शा, ये है ऑयल टैंकर, ऑयल टैंकर को साइड में रखते हैं। और ये कौन सा खिलौना है, पुलिस लिखा हुआ है, पुलिस वाला ट्रक है दोस्तों। ये कौन सा खिलौना है, ये हमारा जेसीबी है टूटा हुआ। ये कौन सा खिलौना है, ये है हमारा ट्रक, तो चलो ट्रक को भी साइड में रख देते हैं। ये कौन सा खिलौना है दोस्तों, रोड रोलर, रोड रोलर को भी साइड में रख दिया। ये देखो ये कौन सा खिलौना है, आर्मी फोर्स लिखा हुआ है, बेशक आर्मी वाला जीपी है दोस्तों। तो अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने नोटिस भी नहीं किया था, यहाँ पे सभी व्हील खुला था, एक व्हील अटैच हुआ था दोस्तों, ये हमें जाते ही दिखा था पहले ही। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं बाद में। ये देखो ये पुलिस वाला ट्रक का पार्ट है ऊपर का, सेकेंड वाला ड्राइवर का। और ये देखो यही हमें अच्छा वाला कंडीशन में मिला था दोस्तों, देख लो, देखा
बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। ये छोटू हुआ तो क्या हुआ, बहुत काम का चीज़ है दोस्तों। ये उड़ता भी है, चलता है, सब कुछ करता है। तो चलो इसे भी साइड में रख देते हैं, साइड में रख दिए। और ये देख लो दोस्तों, आज हमें बाकेट के अंदर कितने सारे व्हील्स मिले हैं। तो चलो एक एक करके हम अटैचमेंट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पहले अटैचमेंट करते हैं हमारा ये ट्रक। ये दोस्तों ये ऑयल टैंक का ट्रक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कलर, इसका ऊपर का कलर एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा है। और हमें और एक ट्रक मिला था, ये देखो ये पुलिस वाला ट्रक। ये देखो इसका बॉडी का कलर देख लो दोस्तों, ये देखो इसका पीछे का बॉडी का कलर है येलो कलर का। ये देखो ये भी येलो कलर का, बेशक ये इसका ही पार्ट है दोस्तों। आप लोगों को ऑयल टैंकर के बाद उसे अटैचमेंट करके दिखाएंगे, पहले हम दिखा देते हैं आप लोगों को ऑयल टैंकर अटैचमेंट करके। तो चलो दोस्तों देख लो, ये है इस ट्रक का टैंकर। तो देख लो ये है इसका पीछे का पार्ट, ये देखो लिखा हुआ है ऑयल टैंकर ट्रक। तो चलो एक बार कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे चार ग्रुप दिया हुआ है, 1 2 3 4। इस चार ग्रुप में ये देखो यहाँ पे चार क्लिप है, 1 2 3 4। ये चार क्लिप जाके अटैच हो जाएगा दोस्तों। ये आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है। पीछे से दिखाई देगा ये ऑयल टैंकर ट्रक है, इसलिए पीछे का पार्ट है। तो चलो दोस्तों इसके ऊपर रखते हैं, इस ग्रुप के ऊपर रख के हल्के हाथों से जस्ट प्रेस कर देते हैं। देखो हल्के हाथों से दबाने से ये ऑलमोस्ट अटैच हो गया। और पीछे अब घुमाना है हमें, यहाँ पे थोड़ा दबाना है। ये देखो इस चारों साइड में थोड़ा हल्के हाथों से दबाना है। ये देखो ये लॉक हो गया दोस्तों, अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखो ये ऑयल टैंकर बिल्कुल अटैच हो गया इस ट्रक के साथ। तो चलो ट्रक के लिए मुझे और एक चीज़ दिखा है यहाँ पे, ये देखो ये सीढ़ी। मुझे सीढ़ी का पता चला है, यहाँ पे मुझे दो छेद, ये नीचे दो छेद दिया हुआ है। और ये देखो सीढ़ी का ऊपर देखो, यहाँ पे दो ग्रुप दिया हुआ है, नीचे भी दो ग्रुप दिया हुआ है। तो चलो एक बार अटैच करके देख लेते हैं ये अटैचमेंट होता है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे ऊपर पे बैठा है, नीचे भी एक साथ बैठा है। तो चलो एक बार हल्के हाथों से जस्ट प्रेस कर देना है। देखो प्रेस करते ही ये अटैच हो गया दोस्तों, ये अटैचमेंट कम्प्लीट हो गया। अब हमें जस्ट इसका नीचे का व्हील लगाना है। देखो नीचे वाला पार्ट में व्हील लगेगा, ये इसका पीछे का पार्ट है। तो चलो दोस्तों हमने घुमा लिया हमारे आसानी के लिए। तो चलो बाकेट के अंदर से व्हील ढूंढते हैं। ये देखो इसका सामने व्हील लगा हुआ है, ऐसा ही व्हील हमें बाकेट के अंदर से ढूंढना है। ये देखो बाकेट के अंदर में हमें चार ऐसे व्हील दिख रहा है, क्योंकि इस ट्रक में भी ऐसा व्हील लगेगा और ये पुलिस वाला ट्रक में भी ऐसा ही व्हील लगेगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पर देखो व्हील के ग्रुप में हमने जस्ट इसको बैठाया, ये देखो जस्ट बैठा देना है हल्के हाथों से। बैठा के अब क्या करना है, अब हमें 1 2 3 काउंट करते ही इसे प्रेस कर देना है, 1 2 3। तो चलो दोस्तों हमारे साथ 1 2 3 काउंट करो, 1 2 3। देखो कंप्लीट हो गया, देखो कैसे घूम रहा है। तो चलो दोस्तों हमने ऑयल टैंकर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। तो ऑयल टैंकर कंप्लीट हो गया तो इसे हम साइड में रख देंगे, साइड में रख दिए। अब किसकी बारी, अब है हमारा ये ट्रक की बारी। तो देखो ट्रक हमने ऊपर से बैठा ही दिया था, ये देखो इससे चारों साइड से हमें थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस कर देना है, इससे कि इसका जो लॉक था वो अटैच हो जाएगा दोस्तों। ये देखो ये देखो ये देखो, देखा दोस्तों ये लॉक अटैच हो गया। तो चलो दोस्तों इस क्रेन को जस्ट आप लोगों को हम दिखा देते। ये देखो घूमता भी है, ये देखो ये इसका लिए, इसके लिए अलग से एक ड्राइवर दिया हुआ है पीछे। और ये देखो सामने आगे तो एक ड्राइवर है ही इसे चलाने के लिए, और इस ड्राइवर को इसे कंट्रोल करना है। तो चलो दोस्तों इसकी भी हमें पीछे का व्हील लगाना है। तो पीछे का व्हील लगाने के लिए इसे हमें बाहर निकाल लेना है बाकेट के अंदर से। और क्या करना है दोस्तों, अब हमें थोड़ा उल्टाना है हल्के हाथों से। तो उल्टा दिया, ये देखो ये सीधा हो जा रहा है बार बार, क्योंकि इसका नीचे का पार्ट सीधा नहीं है, टेढ़ा मेरा है। तो चलो दोस्तों एक एक करके अटैच करते हैं। ये देखो ये देखो, पहले हम सामने का व्हील लगा दिया, पीछे का, सामने का व्हील, और ये देखो इसका पीछे का व्हील। तो देख लो दोस्तों, ये देखो इसका पीछे का व्हील भी हमने लगा दिया। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसे भी हम साइड में रख देते हैं, इसके ही पास रख दिया। अब किसकी बारी, अब है हमारा ऑटो रिक्शा की बारी। तो ऑटो रिक्शा का क्या प्रॉब्लम था दोस्तों, ऑटो रिक्शा का मुझे एक सिंगल प्रॉब्लम दिखा था, उसका सामने का व्हील नहीं था। तो सामने का व्हील हमें पहले ही दिख गया था, ये देखो इसका सामने का व्हील यही है दोस्तों। तो चलो इसे अब आप लोगों को अटैचमेंट करके दिखाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें ऑटो को थोड़ा उलट लेना है, उल्टा लिया। अब क्या करना है, ये देखो यहाँ पे दो छेद दिया हुआ है, ये देखो इस साइड में एक छेद दिया हुआ है, इस साइड में भी एक छेद दिया हुआ है। तो चलो अब क्या करना है, एक छेद में हमें जस्ट इसके व्हील को डालना है पहले, ये देखो
ये देखो डाल दिया, अब दूसरे को भी हम डाल देंगे। देखो डाल दिया, कंप्लीट हो गया। ये देखो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखो ये ऑटो रिक्शा चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो हम इसको चलाकर आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार, देखो कैसे चल रहा है। तो चलो दोस्तों ये भी कंप्लीट हो गया, तो चलो इसे हम साइड में रख देंगे। अब किसकी बारी? अब है हमारा जेसीबी की बारी। जेसीबी का प्रॉब्लम तो क्या था आप लोगों ने दिखा ही होगा दोस्तों, इसका एक भी व्हील नहीं था, व्हील ऑलमोस्ट सभी खुला हुआ था। तो चलो पहले हम इसका व्हील ढूंढ लेते हैं। मुझे तो ये वाला व्हील ही इसका व्हील लग रहा है दोस्तों, देख लो ये वाला व्हील ही इसका व्हील है। ये पीछे का व्हील है, थोड़ा बड़ा है। देखो एक छोटा व्हील निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखो इसका छोटा व्हील, देखो देखा डिफरेंस, देखो दोस्तों एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है। तो चलो दोस्तों आगे, पहले हम ये पीछे वाला व्हील लगा लेते हैं, आगे का बाद में लगाएंगे दोस्तों। ये देखो इसका पीछे का एक व्हील हमने लगा दिया, अब उल्टा लेना है तो उल्टा के हमें और एक व्हील ढूंढना है पीछे का। ये देखो ये है इसका पीछे का और एक व्हील। तो चलो और एक व्हील को हम जस्ट यहाँ पे रॉड में डल के अटैच कर देंगे, और एक काम करते हैं इसे घुमा देते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमें इसका दूसरा व्हील ढूंढना है आगे का। ये देखो इसमें रॉड लगा हुआ है, हमें रॉड वाला व्हील चाहिए था दोस्तों। देखो इसमें रॉड लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई रॉड नहीं है। ये देखो छेद दिया हुआ है, छेद में जस्ट रॉड को डालो, यहाँ से घुमाओ, घुमा के ये देखो और एक इसका व्हील, इसको भी इस रॉड में जस्ट डाल दो। ये देखो डाल दिया, ये देखो ये जेसीबी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब जेसीबी चलने के लिए भी रेडी है, मिट्टी खोदने की भी रेडी है, सब कुछ के लिए रेडी है। तो चलो दोस्तों एक बार आप लोगों को हम चलाकर दिखा ही देते हैं। ये देखो कैसे चल रहा है जेसीबी। जेसीबी तो बढ़िया तरीके से ही चल रहा है। तो चलो जेसीबी को भी हम साइड में रख देते हैं। ये देखो जेसीबी को भी साइड में रख दिया। अब किसकी बारी? अब है हमारा ये ट्रॉली वाला ट्रैक्टर की बारी। ट्रॉली वाला ट्रैक्टर का प्रॉब्लम क्या था दोस्तों? ट्रॉली वाला ट्रैक्टर का प्रॉब्लम था आगे का व्हील नहीं था, तो आगे का व्हील हमें ढूंढना पड़ेगा। ये देखो ट्रॉली वाला ट्रैक्टर का व्हील ऐसा दिखेगा, मुझे तो यहाँ पे ये वाला व्हील दिख रहा है, और ये देखो यहाँ से ये वाला व्हील दिख रहा है। ये दो ही इसका व्हील है। तो चलो इसमें रॉड को डालना है आगे का। तो चलो आगे तो हमने रॉड को डाल दिया, तो हमें बहुत ध्यान से ढूंढ निकालना है दोस्तों, क्योंकि इसका छेद मिलना बहुत ही मुश्किल है। देखो ये गलत जगह से निकल गया। तो चलो और एक बार कोशिश करते हैं। ये देखो अब ये ठीक जगह से निकला है दोस्तों, ये देखो अब ये ठीक जगह से निकला है। तो चलो ये देखो इसका आगे का नेक्स्ट व्हील, ये देखो देख लिया। अब देखो इसको हम कैसे अटैचमेंट करते हैं दोस्तों, ये देखो इस रॉड में जस्ट डाल के हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। ये देखो ये कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया तो इसे भी हम साइड में रख देंगे। ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, इसका कलर कॉम्बिनेशन सच में बढ़िया है, ग्रीन एंड पिंक कलर में। तो चलो अब किसकी बारी? अब है हमारा ये आर्मी वाला जीप की बारी। ये देखो आर्मी लिखा हुआ है इसमें। इसका तो ऊपर का कंडीशन मुझे कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है, गंदा है, बहुत गंदा है दोस्तों, क्योंकि देखो इसमें मिट्टी लगा हुआ है, कीचड़ बोलो जो भी बोलो, ये तूफान में उड़ कर आया है ना यहाँ पे, तो इस वजह से शायद ये बहुत भीगा है बारिश के दिन। तो चलो जो भी हो, हमें जस्ट इसको अटैचमेंट करना है दोस्तों। अटैचमेंट करने के लिए ये देखो मुझे इसका तीनों व्हील यहाँ पे ही दिख गया। ये देखो इसका व्हील देख लो दोस्तों, ऐसा दिखता है इसका व्हील, और ये देखो बाकी सारे व्हील। तो चलो एक एक करके हम अटैचमेंट कर देते हैं दोस्तों। ये देखो इस व्हील को हमें जस्ट इस रॉड में डाल देना है। ये देखो इस रॉड में डालकर जस्ट हल्के हाथों से हमें प्रेस कर देना है दोस्तों। ये देखो जस्ट प्रेस करते ही ये पीछे का व्हील अटैच हो गया दोस्तों। ये देखो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका आगे का व्हील इस छेद में से डालना है। ये देखो छेद में से डाल दिया, ये देखो दूसरे छेद से भी निकल गया, और ये देखो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट व्हील, इसे अब हमें अटैच करना है। ये देखो हम इस रॉड में जस्ट डाल दिया और हल्के हाथों से थोड़ा दबा दिए। ये देखो दबाने से ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसे और कुछ रिपेयर का ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, तो चलो इसे भी सामने रख देते हैं इसके। और ये देखो ये कौन सा खिलौना है, ये देख लो दोस्तों, ये हमारा रोड रोलर। ये बहुत बढ़िया कंडीशन में तो नहीं लग रहा है, मुझे देखने से ही लग रहा है बहुत कमज़ोर है, पता नहीं इससे शायद बहुत कुछ झेला है दोस्तों ये तूफान में बहुत कुछ झेला है, इस वजह से मुझे ये बहुत कमज़ोर लग रहा है। तो चलो इस कमज़ोर खिलौनों का कमज़ोर व्हील ढूंढ लेते हैं। ये देखो आखिरी तो व्हील था बाकेट के अंदर, बाकेट बिल्कुल खाली हो गया। ये देखो दोस्तों इसका व्हील कैसा दिखता है,
ऐसा दिखता है इसका व्हील। तो चलो एक एक करके हम व्हील को अटैचमेंट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे छेद है, ये देखो व्हील के अंदर छेद है, और ये देखो यहाँ पे रॉड निकला हुआ है। तो जस्ट हमें इस व्हील को भी इस रॉड में डाल देना है। ये देखो डाल दिया, अब देखो हमें इसे उल्टा लेना है। ये देखो यहाँ पे इसका व्हील भी टूटा हुआ है। मुझे पता था ये रोड रोलर बहुत कुछ झेला है तूफान में। चलो दोस्तों जो भी झेला हो तो हमें ठीक तो करना ही है, तो चलो कोशिश करते हैं ठीक करने की। तो देखो दोस्तों हमने कोशिश तो की है पर ये तो ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों। क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं दोस्तों। तो चलो एक बार कोशिश तो करते हैं। ये देखो दोस्तों ये ठीक, हाँ ये ठीक नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका दोनों व्हील ही टूटा हुआ है। ये देखो, ये देखो यहाँ से टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ होगा तो कैसे हम जोड़ेंगे इसको। तो चलो एक बार और कोशिश करते हैं डालने की। तो चलो दोस्तों देखो डाल भी दिया पर ये अटैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों। ये रोड रोलर देखो ये नहीं हो रहा है दोस्तों, ये अटैच होने का कोई नाम ही नहीं रहा है। अरे कैसे अटैच होगा रे भाई, एक बार तो अटैच हो जा। दोस्तों छेद में डाल दिए। तो चलो दोस्तों बहुत मुश्किल था पर हमने कर दिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे देखो दोस्तों। और ये देखो हमारा आखिरी खिलौना जो कि है हमारा छोटू सा हेलीकॉप्टर। ये हमें मिला था बहुत बढ़िया कंडीशन में ही मिला था, इसमें कोई खराबी या टूटा फूटा कुछ नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम फ्री हमें एक हेलीकॉप्टर मिला है, वो भी छोटू सा। तो चलो दोस्तों आज का हमारा अटैचमेंट भी कंप्लीट हो गया। एक खिलौना बहुत ही बुरा हाल है रोड रोलर का, तो हमने थोड़ा कुछ जुगाड़ करके लगा दिया। और ये देखो बाकी सारे खिलौने वो भी बढ़िया कंडीशन में हो गया, इसमें और कोई खराबी या टूटा फूटा कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम प्रॉब्लम फ्री हो गया। तो चलो दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो देखते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलते हैं ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियो लाने में। तो चलो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।